हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे इक्विटी मार्केट की। इक्विटी मार्केट की कल की रणनीतियों के ऊपर बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या निफ्टी के, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, क्या थे हमारे मैजिकल फिगर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाजार का ट्रेंड बताने के लिए। कल के वीडियो में मैंने एकदम साफ साफ कहा था, जो मैजिकल फिगर आज के लिए था हमारा, उसके ऊपर आज चलना चाहिए बाजार। यानी कल की हेडलाइन ही ये थी कि हर डिप में माल खरीदना है, ओवरऑल बाजार बुलिश है। और आज देखिए बाजार क्या धुआंधार बढ़ोतरी लेके आगे बढ़ा है। कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पर थे, कौन से स्टॉक्स में आज प्रॉफिट लॉस हुआ और कल के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, इन सब की बातचीत करेंगे एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। यानी कि वड़ा पाव बेचने वाला, समोसा बेचने वाला भी यहाँ पर इस चैनल को देखकर पैसा कमा सकता है। करना सिर्फ इतना समझना है कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर अपने ब्रेक लगाने, लॉस के ब्रेक लगाने और कहाँ पर मुनाफा लेना है, बस इतना ही समझना है। बाकी सब काम हम आप लोगों को करके दे रहे हैं। बात को पहले करूंगा निफ्टी की। निफ्टी का पहला सपोर्ट लिया था 14200 का, रेजिस्टेंस लिया था 14370 का। आज का लो देखिएगा, पहले के वीडियो में भी बताया है कि अगर पहला रेजिस्टेंस काट के उसके ऊपर टिक जाए बाजार तो वो उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। सपोज करके रेजिस्टेंस था, बाजार यहां पर क्लोज हुआ था, इसके ऊपर ओपन हो गया तो ये इसके लिए बन चुका था सपोर्ट। आज का पहला रेजिस्टेंस है 14370 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 14530 का। आज का लो पोस्ट हुआ है 14364, 14364। अगर ये लेवल में दम नहीं होता तो आज ये लो पोस्ट करके यहां से बढ़ता नहीं। आज का हाई पोस्ट हुआ है 14586 का, क्लोजिंग आई है 14570 की। वाओ, 14570 की क्लोजिंग, जबरदस्त क्लोजिंग, जबरदस्त। मंदी वाले तो राह देखते रहेंगे। कल के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 14530, दूसरा सपोर्ट 14475 और इसका अब मैजिकल फिगर बन के आ रहा है 14310 का। आज के लिए जो मैजिकल फिगर था 14290 का था, अब वो मैजिकल फिगर 14310 का हो चुका है। मैजिकल फिगर की डेफिनेशन, जो मेरे साथ नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए बोलना जरूरी होता है, मैजिकल फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा, जिसके ऊपर चलने पर बाजार होता है तेज। मैजिकल फिगर के ऊपर चल रहा है तो टेम्पररी तेज है, चिंता की कोई बात नहीं है। पहला रेजिस्टेंस 14625, दूसरा रेजिस्टेंस 14840 तक का जगह बना चुका है, मैजिकल फिगर 14310 का। अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट लिया था 31475 का, पहला रेजिस्टेंस था 21970 का। आज का लो देखिएगा 31920 और 31975, 70 का जो हमने सपोर्ट लिया था वो इसके लिए बन चुका था, रेजिस्टेंस लिया था वो इसके लिए बन चुका था सपोर्ट। आज का पहला रेजिस्टेंस था, तो दूसरा रेजिस्टेंस 32380, आज का हाई पोस्ट हुआ है 32569 का, क्लोजिंग हुआ है 32520 के आसपास। कल के लिए जो इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 32380 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 32080, मैजिकल फिगर 31950। तो 31950, 31700 तक के इसके बहुत अच्छे सपोर्ट नजर आ रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस ऐसा है ना कि कल ऐसा लग रहा है कि वापस ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। 32590 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 33020 का। अब बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आज कौन से स्टॉक्स लिए थे, कहाँ पर मुनाफा हुआ, कहाँ पर लॉस हुआ, क्या हमारी होल्डिंग पे था। होल्डिंग पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज आप लोगों को जो बाय करने कहा था उसकी बातचीत करेंगे। आईसीसी बैंक को बाय करने कहा था 524.50 के आसपास, 533.90 का इसने लो पोस्ट किया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, ना ही इसको कहीं परफॉर्मेंस शीट में रिकॉर्ड किया है। दूसरा स्टॉक लाभ माल करके गया है, एचडीएफसी बैंक को बाय करने कहा था 1470 के आसपास, 1444 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 1510 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1511.65 का इसने हाई पोस्ट किया है, लो पोस्ट किया है 1464 का, 1467 का इसने लो पोस्ट किया है। तो यहां पर आज आप लोगों ने कम से कम 2% के आसपास अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल को कैपिटलाइज किया होगा। लाओ माल, धीरे धीरे काम करेंगे लेकिन लंबा काम करेंगे। मनी मैनेजमेंट अच्छा रखिए, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रखिए और ये ध्यान में रखिए कि कभी 2% से ज्यादा का नुकसान ना हो कैपिटल में। इतना अफोर्डेबल होता है, इतना हो तो एक्सेप्ट करके चलिए, तभी बाजार में रहने लायक बने रहो,
रहने बाजार में जो ट्रेड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों की डेफिनेशन के हिसाब से 2% से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरा स्टॉक लिया था विप्रो, विप्रो को बाय करना था 413 रुपए के आसपास, 427.70 रुपए का उसने लो पोस्ट किया है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। चौथा स्टॉक लिया था मारुति, मारुति को बाय करना था ऑल टाइम 7777 के आसपास, इसका लो पोस्ट हुआ है 7835 का, इसका भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। तो आज एक ही स्टॉक एग्जीक्यूट हुआ जो कि HDFC बैंक था, जिसका मैंने 1500 के आसपास प्रॉफिट बुक करवा दिया था। अब हमारी होल्डिंग पे कल के लिए कुछ भी नहीं है, बात करूंगा कल के लिए क्या रणनीतियां निकल के आ रही है। कल बाय करेंगे अल्ट्राटेक को, अल्ट्राटेक को 5433-5450 के आसपास बाय करेंगे, 5399 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, ऑल टाइम 5555 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक होगा हमारा सनफार्मा, सनफार्मा को बाय करेंगे 590.30-592 के आसपास, 586.95 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 603 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तीसरा स्टॉक होगा हमारा मारुति, मारुति को बाय करेंगे 7866-7890 के आसपास, 7774 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 8100 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। चौथा स्टॉक होगा हमारा SBI बैंक, SBI बैंक को बाय करेंगे 296-298 के आसपास, 294.95 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 303 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। सारे कॉल मेरे NSE इक्विटीज में होते हैं, तो अगर आप लोगों के बाय करने के बाद टारगेट अचीव नहीं होते, स्टॉप लॉस नहीं होते, तो आप इसको जब तक इसके स्टॉप लॉस नहीं होते, टारगेट नहीं होते, तब तक इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर मेरे सेल कॉल होते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को इंट्राडे काटने होते हैं, क्योंकि NSE इक्विटीज को आप सेल करके होल्ड नहीं कर सकते। जितनी भी बात मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की करता हूं वो करंट मंथ एक्सपायरी की करता हूं, जैसे मैं आज बात कर रहा हूं 28 जनवरी 2021 की एक्सपायरी के वायदे की। तो ये थे हमारे स्टॉक मार्केट के लिए 20 तारीख की रणनीतियां, जो कि आज आप लोगों को एक दिन पहले मिल गई है। अभी बज रहा है 3:55, 25 मिनट हुए हैं बाजार को क्लोज हुए, और उसमें से 6-7 मिनट में आप लोगों के साथ बना हुआ हूं। 20 मिनट में कल की आपकी रणनीतियां तैयार होकर हाजिर है। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो जाते जाते प्यार मोहब्बत से लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अकाउंट ओपनिंग की लिंक होती है, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पा सकते हैं बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उसके लिए आपको इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में संपर्क करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ हमारे सोशल मीडिया के लिंक होते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।